हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों ये हमारी लाइव क्लासेज है, जी हाँ ये हमारी लाइव क्लासेज है, ऑनलाइन लाइव क्लासेज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और सबको मेरी तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एडवांस टेस्ट स्पेशल के बारे में। हमने कल की क्लास में टेस्ट स्पेशल की पहले पार्ट को बताया था, और हमने बताया था किस तरीके से हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, तो टेस्ट करते समय वैल्यू फॉर्मूला बाकी चीजों को रिमूव कैसे किया जाता है वगैरह वगैरह। हमने डेट की फॉर्मेट के बारे में जाना कि डेट से क्या रूल्स है, डेट को वैल्यू फेस करने में जो नंबर आता है वो नंबर क्या है, और इसको प्रूफ कैसे करेंगे, और मुझे आशा है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। साथ में हमने कल की क्लास में आपको बताया था, एक क्वेश्चन दिया था कि पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशन का यूज करते समय पेस्ट एज ए वैल्यू, पेस्ट एज ए एड या मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन करते, इसका ऑफिशियली यूज क्या है। और मुझे बहुत दुख है कि आप लोगों के तरफ से किसी का मेल मुझे नहीं आया है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। चलिए आज हम इस चीज को बताते हैं आपको। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो जैसे कि हमने आपकी लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे हम यहां पे 20 रखते हैं और यहां पे 30 रखते हैं, तो अगर जनरली हम 20 को कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको कॉपी किया और इस पे पेस्ट कर दिया, तो क्या होता है, ये पेस्ट हमारा जो है 30 को रिप्लेस करके यहाँ पे 20 कर देता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर ऑपरेशन करना, जैसे कि ऐड, तो अब क्या होगा कि 20 30 को रिप्लेस नहीं करेगा, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा और 50 फाइनल रिजल्ट इससे सेव हो जाएगा। हमने बताया था इसका बेनिफिट क्या है, इसका यूज क्या है। चलिए स्टार्ट करता हूं। यहां पे मेरे पास नेम है पूजा, और ये हमारे प्रोडक्ट है। ऐसे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मान लीजिए कम है। तो मान लीजिए इस रिपोर्ट को हमने अपने बॉस को भेजा, बॉस ने बोला कि मुझे इसमें नंबर जो है 60 है, मतलब नीरज ने प्रोडक्ट वन 40 सेल किया है, तो हमें इस 40 से कोई लेना देना नहीं, आप मुझे यहाँ पे ये बताइए कि इसने कितना परसेंट टारगेट को अचीव किया है। ओके, कितना परसेंट टारगेट अचीव किया है मुझे यहाँ पे ये बताना है। तो टारगेट इसका मान लीजिए 70 है, तो मुझे क्या करना होगा कि हमें यहां से कॉल, एक मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं, कॉपी किया और यहां पे वैल्यू पेस्ट, मैं यहां पे इसको इंसर्ट करता हूं, और इसमें क्या करूंगा कि डिवाइड बाय 70 और नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, एंड इसके ऊपर हम परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए यहाँ पे 12 है तो एटलीस्ट आपको 5-7 मिनट में हो जाएगा, लेकिन ज्यादा हुआ तो काफी टाइम लेगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी किया और हम इस सभी को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और यहीं पे डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। अब डिवाइड बाय 100 क्यों कर रहा हूं, इसके लिए थोड़ा सा परसेंटेज मेथड को समझिए। परसेंटेज मेथड को समझते हैं कि एक्सेल में अगर आप परसेंटेज लिखते हैं तो जैसे यहां पर 20 और 20 के साथ परसेंट का सिंबल दिया तो आपको यहां दिख जाएगा 20%। लेकिन अगर आपने यहां पर 20 कर दिया और फिर परसेंटेज का सिंबल लगाया तो 2000 हो जाएगा परसेंटेज, मतलब कि एक्सेल में 1=100% होता है, 1=100%।
मतलब कि मुझे अगर यहाँ पे टाइप करने के बाद परसेंटेज देना है तो यहाँ पे 0.20 देना होगा और फिर इसके ऊपर परसेंटेज का सिंबल देना होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें इस 70 को कॉपी किया, पूरे एरिया को सिलेक्ट किया और इसी के ऊपर हम यहां से डिवाइड करते हैं। आ गया सर परसेंटेज एक बार में? संजय जी समझ में आपको कि नहीं? किसी को डाउट? इसमें जो 100 से ज्यादा ही एज अचीव्ड, हाँ 70 से ऊपर होगा ना, जैसे कि यहाँ पे 90 है तो 100 ज्यादा परसेंटेज होगा ना। या फिर अगर हम बात करें कि मेरे पास अलग अलग है इस तरह से कि मेरे पास हर पर्सन का परसेंटेज अलग अलग है, जोड़ी तो है कि 70% फिक्स होगा, किसी का 60 होगा, किसी का 70 होगा वगैरह होगा। तो ये हमारा सेल है और ये हमारा परसेंटेज है। अब मुझे क्या है कि हर नंबर को अलग अलग नंबर से डिवाइड करना है, मतलब कि 69 को डिवाइड करना है 66 से, मुझे 11 को 73 से करना है, ऐसे मेरे पास और ही चीजें हैं, समझ गए? तो वन बाय वन कैसे करेंगे, तो आप सेम पूरे को कॉपी कीजिए, इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल और यहां आप कर दे डिवाइड। तो ये क्या होगा कि वन बाय वन डिवाइड करेगा सीक्वेंस में, समझ गया सर? हेलो शुभम जी समझ में आया सर? यस सर, यस सर, यस सर। एक बार वापस बताएंगे सर, कुछ नहीं करना है हमें, इसको पहले वाले एरिया ध्यान रखिएगा, जिस सीक्वेंस में ए है उसी सीक्वेंस में आपका टारगेट होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि इसके सामने हो, नीचे भी होगा या किसी और भी सीट पे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सीक्वेंस सेम होना चाहिए नेम का और प्रोडक्ट का, ठीक है। जैसे मान लीजिए ना ए आपका 35 है तो दूसरे नंबर कॉलम और छठे नंबर रो में है, तो यहाँ भी सेम ऐसा ही होना चाहिए, चाहे यहाँ पर हो या कहीं और हो। सर यही हो ना, बी टू डिवाइडेड बाई आई टू हो जा रही है, करेक्ट? कहने का मतलब बी टू डिवाइडेड बाई आई टू, जी हाँ जी हाँ, बी टू डिवाइडेड बाई आई टू ऐसी हो जा रही है ना। हाँ ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। अब इसको कॉपी कीजिए और इसके ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और इसमें डिवाइड कर दीजिए, हो गया, 3% असेंबल दे दीजिए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी हो सकता है कि मान लीजिए ए जो है नंबर ए किसी ना किसी फॉर्मूले से आ रहा होगा, मान लीजिए कोई फॉर्मूले से आता है, कोई डिफरेंट फॉर्मूले से आ रहा है। अब मुझे क्या करना है कि फॉर्मूले को रिमूव नहीं करना है, मुझे इसी के अंदर ले जाना है और हमारा 66 इस तरह से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल एंड डिवाइड एंड ओके। यहां पर फॉर्मूला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, हमने गलत कर दिया, हमने पेस्ट स्पेशल फॉर्मूला सिलेक्ट किया बट यहां डिवाइड सिलेक्ट नहीं किया, तो वैल्यू सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जहां से आप लगा रहे हो वो भी फॉर्मूला हो क्या, तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी फॉर्मूला कॉपी होके फॉर्मूला के अंदर मर्ज होके पेस्ट हो जाए, तो पेस्ट स्पेशल में यहाँ फॉर्मूला सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिए, सॉरी डिवाइड सिलेक्ट करके ओके कीजिए, यहाँ देखिए फॉर्मूला के फॉर्मूला हो रहा है। आप कहते नहीं इसकी वैल्यू होनी चाहिए, तो पेस्ट स्पेशल यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट कीजिए एंड डिवाइड कर दीजिए, यहाँ की वैल्यू से पेस्ट हो जाएगी। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अभी आपने सोचा होगा कि शुरू में ये परसेंटेज का सिंबल दिया, आखिर इसका क्या रोल है, इसका हम अपने ऑफिशियल लाइफ में बहुत यूज करते थे, क्या क्या था कि हमारे जो कलीग थे
वो मुझे एक एक परसेंटेज एक कैलकुलेशन परसेंटेज भेजते थे, तो उसमें इस तरह से रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा रहता था। ओके अब प्रॉब्लम क्या था कि मुझे जो मिला है 87 इन द नंबर फॉर्मेट में है ना, या 89 इन द नंबर फॉर्मेट में, ये होना चाहिए था 89 परसेंटेज। प्रॉब्लम क्या है कि इसने बताया आपको कि यहाँ एक्सेल में 1 = 100% होता है। तो अगर मैं जहां मैं अपना यूज करता हूं वहां परसेंटेज फॉर्मेट में चाहिए, तो वहां अगर मैं डायरेक्ट 89 डाल दिया तो 6900 मतलब कि 8900% चला जाएगा। ऐसा मैं करना नहीं चाहता हूं, तो क्या करें, मुझे इसको एक एक करके परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो काफी ज्यादा टिपिकल हो जाएगा ना इस तरह से। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि हमें यहां पे क्या चाहिए, 0.89 चाहिए, तब मैं परसेंटेज लगाऊंगा तो ये 89% हो जाएगा। तो यहां पे मैं 100 लिखूंगा और इस 100 को कॉपी करके इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहां पे डिवाइड बाय 100 और फिर इसमें परसेंटेज का सिंबल दे दूंगा। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। शुभम जी, अब्बास जी, सुधाओ किसमें? हंड्रेड कहाँ लिखा है सर, ये समझ नहीं आया। हंड्रेड आपने यहाँ लिखा है ना और उसको कॉपी कर लिया है। अच्छा अच्छा, अब दिख गया? वो वीडियो के पीछे लिखा है इसलिए देख नहीं रहा था। सर वीडियो के पीछे लिख रखा है तभी मैं सोच रहा था कहाँ लिखा है। उसको ऊपर नीचे कर लीजिए ना वीडियो को, ये ऊपर नीचे हो जाता है, पकड़िए उठा के जा रख लीजिए साइड में कहीं। अच्छा अच्छा हाँ सर। सर अगर अभी आप 100 को डिलीट कर दोगे तो फिर से वैल्यू चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, लिंक तो नहीं है, ये लिंक नहीं है। ओके ओके स्टार्ट करें आगे। जी सर। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, मान लीजिए ना कि हम यहाँ पे सेल्स का फॉर्मेट दे दिए और यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लिख देते हैं। तो मैनुअल लिख देते हैं, ऐसे नंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए हम नंबर को क्यूसी टीम को चेक करने के लिए भेजते हैं, अब क्यूसी टीम इस नंबर को या इस डेटा को चेक करती है, उसको एरर दिखता है। अब वो एरर को क्या करती है कि हमें रिपोर्ट करती है कि एरर है, तो वो एरर को ऐसे रिपोर्ट नहीं करती है, बताती है 63 के जगह पे 36 होना चाहिए था, 25 होना चाहिए था, यहाँ पे आपको 84 होना चाहिए था, यह आपका 36 होना चाहिए था, यहाँ पे आपको 85 होना चाहिए था, ऐसे कुछ एरर्स हो गए। अब क्या है कि मेरा ये हजारों का डेटा है उसमें से सैकड़ों अपडेट निकला है, अब मुझे क्या करना है, इसको इस पर अपडेट करना है। अगर मैंने पूरा कॉपी करके इसे पेस्ट कर दिया तो ब्लैंक भी पेस्ट होगा, तो यहाँ पे जो ब्लैंक जिसके सामने कोई वैल्यू नहीं है ब्लैंक है, वो करेक्ट नंबर हो जैसा है वैसा ही छोड़ देना है, हमें सिर्फ वो इसको कॉपी करना है और यहाँ इसको पेस्ट करना है, इसको कॉपी करना है यहां इसको पेस्ट करना है। अब मैं 1 by 1 करूंगा तो इसमें काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, हो सकता है कुछ जगह पे गलती भी हो जाए, तो मैं 1 by 1 नहीं करना चाहता हूं। तो कैसे करूं, तो उसके लिए यहां हम इसको सेलेक्ट करेंगे कॉपी और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और यहां आपके सामने दिखता है स्किप ब्लैंक। क्या दिखता है? स्किप ब्लैंक। इस स्किप ब्लैंक को, अब स्किप ब्लैंक क्या करता है कि जहां जो एरिया में आपने कॉपी किया है उसमें जितने भी ब्लैंक सेल है उसको स्किप कर देता है, उसको पेज से बाहर धकेल देता है। और पेज क्या होता है, जो सिर्फ फिल वैल्यू है जिसमें डेटा है हमारा,
ये भी काफी इम्पोर्टेंट है सर, इसलिए बहुत सारे लोग इसका फॉर्मूला फिल्टर यूज करने लगते हैं। आया समझ में सर? हेलो। हाँ सर। जी सर आ गया। अब एक चीज और आती है, स्पेस एज ए ट्रांसपोज, जैसे कि ये वर्टिकल है तो कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं आप ट्रांसपोज। तो वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में और हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है।